हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुंझुन राइटर चैनल। यू लेके आई हूँ प्रोडक्ट का। फ्रेंड्स, मैं बटरफ्लाई का कुकर मैंने 2 लीटर का ऑर्डर किया था, तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, तो उसका मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आई हूँ। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अमेजोन में बहुत अच्छे से पैकिंग हो के आया था, मैंने पैकिंग ओपन कर ली है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स ये है बटरफ्लाई का कुकर। देखिए स्टेनलेस स्टील का मैंने मंगवाया है का, ये देखिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स ये इंडक्शन पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन फ्रेंडली है ये। और इसमें इसमें ये सीटी कार्ड भी है, मिला है इसमें। और अब कुकर के बारे में बता देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से, अभी मैं इसको पूरा अच्छे से रिव्यू दूंगी। एमआरपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने इस 1300 तक का गया और फ्री शिपिंग। स्टील बहुत अच्छा है और बहुत हल्का भी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, मीडियम स्टील का है ये और बहुत हैंडी भी है, आप लोग देख सकते हैं। और आराम से डेली यूज़ के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को भी अच्छा ही लग रहा था, उन्हीं ने ही कहा था कि बटरफ्लाई का अच्छा है, एक बार मंगा के देखो। परचेज किया है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करके दिखाती हूँ, देखते हैं इसमें सीटी वीटी कैसी लग रही है। आज ही मुझे रिसीव हुआ है ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, बंद भी बहुत आसानी से हो जाता है ऐसे करके। अच्छा इंडक्शन पे भी, अभी मैं इंडक्शन पे इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। गैस पे तो हर कोई यूज़ करके दिखाया होगा, इंडक्शन पे मैं यूज़ करती हूँ इसको। फ्रेंड्स, हमने इस कुकर में आलू ले लिए और उसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया और इंडक्शन पे रख दिया है। 500 पे मैंने रखा था और उसके बाद देखिए एक सीटी आने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। ये ऑटोमेटिक पे ठंडा हो गया था, तब मैंने इसका प्रेशर खोला था और एक ही सीटी में ये आराम से मेरे आलू उबल चुके थे। और इसमें मैंने चावल दाल भी बनाई है, बहुत अच्छे से आराम से बन जा रहा है। मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।